जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। खबर राजनीति अखाड़े से, जहां पीएम मोदी के मानगढ़ धाम की तैयारियां तेज हो गई है। साथ ही आज शाम डूंगरपुर से बांसवाड़ा पहुंचेंगे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया। वहीं आपको बता दें कि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का टारगेट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 नवंबर को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में होने वाली जनसभा की तैयारियां प्रदेश भाजपा ने तेज कर दी है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर की भाजपा इकाइयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी करने के निर्देश दिए गए थे। उदयपुर से वरिष्ठ विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कल सुबह नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भाजपा विधायकों और अन्य स्थानीय नेताओं के साथ मानगढ़ धाम का दौरा करके तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानगढ़ धाम जनसभा के जरिए बीजेपी गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय को साधने का प्रयास करेगी। दरअसल गुजरात में जहां आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तीन राज्यों के आदिवासी मतदाताओं को मानगढ़ धाम में जनसभा के जरिए बीजेपी अपने पाले में लाने का प्रयास करेगी। अकेले राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में करीब 16 सीटें ऐसी हैं जो एसटी वर्ग के लिए रिजर्व है। प्रदेश भाजपा नेताओं की माने तो मानगढ़ धाम में करीब 1,00,000 लोगों की भीड़ जुटेगी, जिसमें राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात से भी लोग जनसभा में शामिल होंगे। खास खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। तब तक के लिए नमस्कार।